देखो फ्रेंड्स, आज अन्ना किचन क्यून में एकदम मसाले और एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनके तैयार हुआ और एकदम अलग तरीके से, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना के तैयार करेंगे। आप लुक भी देख सकते हो कितना ही प्यारा, बिल्कुल अलग डिजाइन के ये बनके तैयार हुए और समोसे और पकौड़ों को फेल कर देंगे ये क्रिस्पी स्नैक्स। और आप इन्हें कभी भी बना सकते हो, अगर आपके घर में मेहमान आए उनके लिए बना सकते हो, और बच्चों के टिफिन के लिए, हल्की भूख के लिए। और लुक भी आप देख सकते हो कितना ही प्यारा आ रहा है, डिजाइन से भी ऐसे मन करता बस अभी खा लो। और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और देखे मैं आपको दिखलाती हूँ अंदर से, एकदम देखे कितने ही बढ़िया स्टफिंग है और एकदम कुरकुरे। और आप इन्हें रख भी दोगे तब भी ये बहुत ही कुरकुरे रहेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो गाइस, ऐसे क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखे बिना स्किप किए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे और बहुत ही आसानी से बना सकते हो ना घर के सामानों से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अन्ना किचन क्यून में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम मसालेदार, एकदम क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। आप इन्हें कभी भी बना सकते हो, हल्की भूख में बना सकते हो, अगर कोई आपके मेहमान आए उनके लिए बना सकते हो, और बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं अपने चटपटे एकदम कुरकुरे स्नैक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम एक कटोरी मैदा डालेंगे। एक कटोरी मैदा हमने डाल दिया है। और यहाँ पर हम व्हाइट वाले तिल लेंगे और ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया। दोनों चीज़ को डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप तेल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन घी से ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो हम यहाँ पर 2-3 चम्मच घी डाल देते हैं और पहले से अच्छे से हम हाथों से मसल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम मुट्ठी बांध के देखेंगे मैदा और घी की कि हमारे अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे। और अब देख सकते हो मुट्ठी बन चुकी है, तो इसका मतलब हमारे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम हमें पानी का यूज नहीं करना है। और इसे हम अच्छे से गूँध लेते हैं, बिल्कुल हमें ऐसे गूँधना है जैसे कि आप समोसे वगैरह बनाते हो। ज़्यादा हमें इसे लूज नहीं करना है, नहीं तो आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हमें थोड़ा टाइट ही मैदा रखनी है। तो इसे हम अच्छे से मींड लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैदा का डो बिल्कुल बनके तैयार है और आप देख सकते हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट है। तो हमें ऐसे ही तैयार करना है। तो इस पर हम हल्का सा घी लगा देते हैं जिससे ये हमारा सूखे ना, और इसे हम ढक के छोड़ देते हैं, हम आगे की अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, 1-2 घंटे भिगो के इसे मैंने उबाल लिया है। और आप देख सकते हो हमने ज़्यादा नहीं उबाला है इसे, और हल्का सा हमने उबाला है। और इसे दरदरा करके पीस लेते हैं, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का हल्का दरदरा करके पीस लेते हैं। एक मिक्सी डाल लेंगे और दाल को हम डाल देते हैं। आप इसे कूट भी सकते हो, लेकिन हमें इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा करके पीसना है। और सारी को हम इसमें जाल में डाल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल दाल पिस चुकी है और मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बारीक नहीं किया। और एक बाउल लेंगे और बाउल में इस दाल को हम निकाल लेते हैं। और दाल हमने निकाल लिया और चलो जल्दी से अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और गैस मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, और इसे हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को हल्का सा हम भुनने देते हैं। और यहाँ पर 1/2 मैंने प्याज काटी है, तो 1/2 कटी हुई प्याज का यूज करेंगे हम, और 1 हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है, और उसे भी हम डाल देते हैं। और तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से हम भून लेते हैं। और प्याज हमारी भून चुकी है, हमें ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हींग, यहाँ पर हम 1/2 चम्मच से भी कम हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। इसे भी हम भून लेते हैं इन चीज़ों के साथ। यहाँ पर हमारा हींग भी भून चुका है। यहाँ पर जो हमने दाल ली थी चने की, तो चने की दाल को हम डाल देते हैं और इसे भी हल्की हल्की हम भून लेते हैं। और दाल यहाँ पर हमारी भून चुकी है। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, ज़्यादा नमक का यूज नहीं करना है हमें। और यहाँ पर 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हम फ्लैक्स सीड डालेंगे थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार, और इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हल्का सा लेंगे बस टेस्ट के अनुसार। और हल्का सा यहाँ गरम मसाला, और सब चीज़ों को भी मिक्स कर देते हैं। और सारी चीज़ हमारी मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने पनीर लिया 50 ग्राम, और पनीर के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और उस पनीर को हम डाल देते हैं। और दाल के साथ पनीर को भी थोड़ा सा भून लेते हैं।
और यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी मैदा को 15-20 मिनट हो चुके हैं और मैदा हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो चलो अपने क्रिस्पी स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सर बनाया था ये हमारा तैयार है, ठंडा भी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने चीज़ लिए छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, थोड़ी सी हम चीज़ मिला देते हैं। और चीज़ हमेशा हमारा मिक्सर जब ठंडा हो जाएगा हमें तभी मिक्स करनी है, गर्म में नहीं मिक्स करनी है। अगर हम गर्म में मिक्स करेंगे तो पहले ये सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुकी है और चलिए अपने क्रिस्पी हम स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी सी लोई लेंगे जैसे हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं, ज़्यादा हमें बड़ी नहीं लेनी है। और इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं और देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल चुका है और बिल्कुल लंबाई में हमने बेला है। तो यहाँ पर एक चाकू लेंगे और चाकू से हल्का हल्का आधे में हमें कट लगाना, सिर्फ हमें इतने आधे में लगाना है। तो आधे में हम इसमें कट लगा देते हैं लाइनिंग के साथ, जिससे हमारा डिज़ाइन इसमें बहुत ही अच्छा लगे, उभर के आए, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये स्नैक्स बन के तैयार होगा। और इसमें हम अच्छे से कट लगा देते हैं और यहाँ पर जो हमारी जगह बची है यहाँ पर हम मिक्सर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सर रख देते हैं अपना, तो यहाँ पर मिक्सर हमने लग दिया और साइड में हल्का हल्का हम पानी लगाएंगे जिससे कि जोड़ खुले ना और हमारा मिक्सर निकल के तैयार ना हो। हल्का सा हम पानी लगा देते हैं और हल्का सा उठाते हैं इसे साइड से और इसे हम फोल्ड कर देते हैं, इधर से भी करते हैं, दोनों तरफ से हम हल्का हल्का इसे फोल्ड करते हैं और किनारा उठाएंगे हम और इसे अंदर की साइड बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल फोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल गोलाई में इसे हमें फोल्ड करना है और देखिए हल्का सा हमने इसमें पानी लगा के किनारों में फोल्ड कर लिया है। और देखिए इसका थोड़ा थोड़ा डिजाइन को हम ऐसे कर देते हैं और देखिए कितना ही प्यारा डिजाइन आया। और ऐसे हमें सारे बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स रोल बिल्कुल बन के तैयार हैं सारे, उन्हें हम फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल डाल देते हैं क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा, तो इसे हम गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें तलते हैं और एक एक करके हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स सारे हमने डाल दिए हैं और इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। अगर आप तेज पे फ्राई करोगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन के इन्हें हमें फ्राई करना है। और देखिए फ्रेंड्स पहले से काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर करना है, हल्का हल्का हमारा आ चुका है और अच्छे से आप देख सकते हो फ्राई हो रहे हैं। इन्हें हम थोड़ी देर और फ्राई करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया। गैस हम बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल पास से दिखाती हूँ और देखिए कितना ही अच्छा डिजाइन और अंदर से खाने में एकदम मसाले और एकदम चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन के तैयार हुए। समोसे को भी आप भूल जाने वाले हो। और देखिए फ्रेंड्स इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुका है, सारे को हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल दिया और उनकी गर्मा गर्म प्लेटिंग करते हैं। हम एक प्लेट लेंगे, यहाँ पर हम प्लेट लेंगे और प्लेट में हम अपने सारे स्नैक्स रोल लगा देते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए। और आप देख सकते हो एकदम आवाज़ भी सुन सकते हो एकदम करारे, और देखिए कितने ही अच्छे बन के तैयार हुए और देखिए कितना अच्छा लुक है। डिजाइन बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना के तैयार हुए और इन्हें हम गर्मा गर्म प्लेट में लगा देते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी सी सॉस रखेंगे, टमाटो सॉस, और लुक भी आप देख सकते हो कितना ही प्यारा आया और बहुत ही अच्छे खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और समोसे को तो आप भूल जाने वाले हो, इतने अच्छे हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। और आप देख भी सकते हो कितने अच्छे एकदम डिजाइन बिल्कुल अलग और अंदर से एकदम चीजी बन के तैयार हुए। और समोसों को तो फेल कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।